तब से मेरी हाइट इतनी छोटी रह गई और मेरी हाइट अभी 24 इंच है। पहले लगता था मुझे कि मेरी हाइट, लेकिन जैसे जैसे मेरा नाम होने लगा, मैं फेमस होने लगी, तो मेरा मतलब मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। बहुत खुश हूँ कि मेरी हाइट की वजह से मुझे एक पहचान मिली है। अपने आप सीखा है देख देख के। मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। Jyoti was born with a rare condition that affected her height growing up, and now at 28 years old, she is a tiny 24 inches tall. मैं जब 3-4 साल की थी, तब ऐसे ही डॉक्टरों के पास गए थे नॉर्मल चेकअप करने। तो डॉक्टरों ने जब मुझे चेक किया, उनके बाद उन्होंने बताया कि ज्योति की हाइट रुक चुकी है क्योंकि हार्मोन्स की कमी है इस वजह से। तब से मेरी हाइट इतनी छोटी रह गई और मेरी हाइट अभी 24 इंच है। मेरी लाइफ नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग थी। और फिर मेरे सर में या कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है या फिर चोट लग जाती है जल्दी से, मतलब मेरे जो बोन्स हैं वो बहुत कमज़ोर है। हाइट कम रहने के कारण मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि किचन में खाना पकाने में या फिर कहीं बाहर जाने में, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यानी उसको साथ में कैरी करना पड़ता है और उसे जो भी सामान होता है, मतलब हाइट पे होता है, उसे हमें देना पड़ता है, बाकी वो सब कुछ कर लेती है। तो पहले लगता था मुझे कि मेरी हाइट क्यों इतनी छोटी है, मैं सबसे क्यों इतनी अलग हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा नाम होने लगा, मैं फेमस होने लगी, तो मेरा मतलब मुझे कभी भी फील नहीं हुआ और ऐसे महसूस नहीं होने दिया किसी ने कि मैं सब लोगों से अलग हूँ, फैमिली मेम्बर से हाइट कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हाइट की वजह से मुझे एक पहचान मिली है। Gaining popularity due to her small stature, Jyoti was given opportunities to allow her to follow her dreams of becoming an actress. ऐसे बहुत सारे शोज किए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अमेरिकन हॉरर स्टोरी में आया था। और जो वहाँ पे एक्टर्स लोग थे, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किए उनके साथ एक्टिंग करके। सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं बहुत बड़ी एक एक्टर बन जाऊँ। ऐसे ही मुझे सोशल मीडिया मर्जी से मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। ज्योति का नेचर बहुत अच्छा है कि मतलब हर किसी के साथ एकदम डायरेक्टली फ्रेंडली हो जाना, सबसे अच्छे से बातें करना रहना, और पहली बात तो गुस्सा तो कभी होती नहीं है। इंस्पायर किया है कि हाँ, लाइफ में कभी ये नहीं सोचना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमेशा ये सोचना कि आगे बढ़ना चाहिए। कैसे आगे बढ़ सकते, अगर कुछ हेल्प लगती है तो मैं करूँगी। Jyoti loves fashion, but she always needs to get clothes custom made for her due to her height. ड्रेस डिज़ाइनर है, वो मुझे बना के देती है। मैं उन्हें बता देती हूँ कि मुझे ड्रेस इस टाइप का चाहिए, मैं उन्हें डिज़ाइंस भेजती हूँ, वो मुझे अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना के भेजती है। या फिर मैं नॉर्मली शॉप में जाके ड्रेसेस खरीदती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और मुश्किल भी होता है मेरे साइज का ड्रेस ढूँढना। आपको मैम अपर बॉडी कहाँ तक चाहिए? बॉटम विल बी लाइक दिस। आपका फ्लोर टच आ जाएगा 40। ओके ओके। और आउटफिट एंड आपके लिए मैंने बनाया था, आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए। ओके। मैं सभी को यही मैसेज दूंगी जो मेरे जैसे लोग हैं बहुत सारे, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो लोगों की जो कमेंट्स है उसे इग्नोर करें और अपनी लाइफ पे फोकस करें। और अपने फैमिली का सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अपने लाइफ को एंजॉय करें।